दुनिया में उन कलाकारों की कमी नहीं जो अपने फन में न केवल माहिर हैं बल्कि सामने वाले को हैरत में डाल देते हैं। ये वो कलाकार हैं जिन्होंने अपने आर्ट को एक नॉर्मल लेवल से ऊपर उठाकर लोगों की सोच और समझ से ऊपर अलग ही तरह से रिप्रेजेंट किया है। अब जब आप इस वीडियो को देखने आ ही गए हैं तो हम इनकी तारीफ शब्दों से क्या करें। आइए आपको ये पूरा का पूरा वीडियो ही दिखा देते हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा वरना कुछ ऐसा मिस कर देंगे जिसके लिए आप अफसोस करते रह जाएंगे जनाब। आइए दिखाते हैं आपको कुछ ऐसे चुनिंदा कलाकृति जिसे देखने के बाद आप खो जाएंगे। अच्छी खासी सड़क पर अपने आर्ट से एक इल्यूजन क्रिएट करते इस आर्टिस्ट को देखिए। लगता है सचमुच सड़क पर बनी ये सीढ़ियां नीचे की तरफ आती हैं और इस सड़क पर चलने वाले इन सीढ़ियों से बचकर निकलने लगते हैं। इसी तरह इन जनाब ने सड़क के बीचों बीच एक ऐसा सीन क्रिएट कर दिया कि अपने धुन में चली आ रही बेचारी ये लड़की सड़क पर चलते चलते रुक गई और वो वापस लौट गई। अचानक सड़क पर इतना बड़ा गड्ढा कैसे हो गया और अब की बार तो इन जनाब ने हद ही कर दी, पूरी की पूरी सड़क ही ब्लॉक कर दी। अच्छी खासी सड़क पर इन्होंने एक डेड एंड बना दिया और इस सड़क पर जब आने जाने वाले लोगों ने आगे बढ़ना चाहा तो उनके कदम पीछे हटते चले गए। वैसे इस तरह सड़क जाम करने का अधिकार किसी को है क्या दोस्तों? अब ये जनाब व्हाइट बोर्ड पर कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लेट में रखे दो कटोरियां कुछ इस तरीके से बनी हैं कि देखकर लगता है कि सच में कटोरी से कुछ लिक्विड गिरकर फर्श पर फैल गया है। उस वक्त आपकी हालत क्या होगी जब सड़क पर चलते हुए अचानक आपको बाउंड्री वॉल को पार करता हुआ एक टाइगर नजर आ जाए जो कभी भी आप पर झपट्टा मार सकता है। लेकिन जरा गौर से देखिए, कहीं शेर कोई धोखा तो नहीं? अरे भाई, कहीं ये किसी कलाकारी तो नहीं? पर इतनी जबरदस्त प्रेजेंटेशन देखकर तो लगता है रियल टाइगर भी धोखा खा जाएगा। और कुछ इस तरह का शेर जमीन पर भी बैठा है, पर ये शेर आया कहां से? ये जरा गौर से देखिए जनाब, किस तरह ये कलाकार शेर को डिजाइन कर रहे हैं। और जब ये शेर पूरी तरह से बन गया तो ये उसके ऊपर बड़े आराम से लेट गए। अब हम समझ गए भैया, तुम में कोई डेयरिंग वेयरिंग नहीं है, तुम केवल कलाकार हो और पब्लिक को मामू बनाते हो। लेकिन यार, तुम्हारी कला में दम है और इस खुली जगह पर कैनवास लेकर बैठे इस आर्टिस्ट ने तो कमाल कर दिया। शेर के पीछे का बैकग्राउंड को जिस तरीके से मैच किया कि देखने वाले देखते ही रह गए। आपका क्या हाल है? हमें यकीन है कि इस आर्टिस्ट की प्रेजेंटेशन को आप भी देखते ही रह गए होंगे। बगीचे में पेड़ पर कुछ बनाने की कोशिश करते इस कलाकार को देखिए। ये पेड़ पर कुछ कर रहे हैं, शुरू में भले ही ये ना समझ आए लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। इनकी आर्ट में छिपा इल्यूजन भी आपको समझ में आ जाएगा। देखते ही देखते इन्होंने पूरा पेड़ ही गायब कर दिया। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले ऐसे ही वीडियोस की बेहतरीन नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब जरा इस लड़की को देखिए, इसके फेस पर बन रहे स्ट्रक्चर को गौर से देखिएगा। ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी दूसरे गेटअप में आने वाली है। और देखते ही देखते इसने जो लुक बनाया है उसे देखने के बाद भाई मैं तो हैरान रह गया। कमरे में बैठे इस जनाब को देखिए, इतनी बड़ी मछली जिसे छू भी रहे हैं मगर वो कोई हरकत नहीं कर रही, लगता है वो जिंदा ही नहीं है। लेकिन इसके बाद जो इस कलाकार ने किया वो और भी ज्यादा हैरानी भरा था।
इसमें तो फर्श पर पड़ी मछली पर वाइपर चला दिया, भाई मान गए। इस तरह की प्रेजेंटेशन को जिसमें देखने वाला असली और नकली का फर्क भूल जाए। अगर आप स्मार्टफोन के जमाने में नोकिया का कीपैड मोबाइल भूल गए हैं, तो चलिए आपको उस मोबाइल की याद दिला देते हैं। इस जबरदस्त नेल आर्ट को देखिए और फिर इस पर बन रहे इस क्रिएचर को गौर से देखिएगा। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका प्यारा सा कीपैड फोन, जिसे आज आप शायद याद भी नहीं कर रहे होंगे, वो आपको बड़ा मिस कर रहा है। इसी तरह आपने कार की बैक विंडस्क्रीन पर कोई ना कोई आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशंस जरूर देखी होंगी, पर वो तैयार कैसे होती है ये आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस आर्टिस्ट को देखिए, ये कार के पिछले कांच पर कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्या बना रहे हैं ये आपको बस कुछ ही सेकंड्स में समझ में आ जाएगा। क्या ऐसा नहीं लगता कि ये कुत्ता कार से निकलकर बाहर आना चाहता है? अब इस रेड कलर के डॉग को ही देख लीजिए, ये किस तरह आपको घूर रहा है। लगता है बहुत जल्दी भौंकेगा और अगर आपने इसकी तरफ उंगली दिखाई तो लपक कर काट लेगा। लेकिन जरा इसे डायरेक्शन चेंज करके देखते हैं, ये क्या? अरे ये डियोज डॉग साहब तो अपना लुक चेंज करते जा रहे हैं। एंड लास्ट में डॉग से ये आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन बिल्कुल ही बदल गई। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर यस लिखिए। दोस्तों, निशानेबाज आपने एक से बढ़कर एक देखे होंगे। डॉट बोर्ड पर इस तरह से निशाना लगाने का अभ्यास आपने भी अपनी लाइफ में किया ही होगा या फिर किसी को करते हुए देखा होगा। ये जनाब भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन क्या सचमुच ये जो कर रहे हैं वो इतना इजी है? अब देखिए इनका कमाल और खुद ही तय कीजिए कि इनका निशाना ज्यादा कमाल का है या फिर इनके निशाने से बनी ये पेंटिंग। हाँ, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना मत भूलिएगा। और अगर आपको सच में इनकी ये पेंटिंग पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है आपके लिए ऐसे बेहतरीन वीडियोस खोज कर लाने के लिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार इस वीडियो को 1000 से ऊपर लाइक दिला ही देगा। तो उम्मीद करते हैं कि जबरदस्त आर्टिस्टिक इल्यूजन भरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।